आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का आज यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ट्वीट कर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई लीडरान ने महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उन्हें याद किया। कई लीडरान ने महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट जाकर गुलाय अकीदत पेश किया, तो कई लीडरों ने ट्वीट के जरिए खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस की उपूरी सदर सोनिया गांधी ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलाय अकीदत पेश किया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। तो आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती और इस मौके पर कई लीडरान ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया, उनकी समाधि पर पहुंचे, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया समेत कई लीडरान यहां पहुंचे और सभी ने बापू को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। तो आज मुल्क महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर कई लीडरान यहां नजर आए। पीएम मोदी ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को ट्वीट कर खराज अकीदत पेश किया और उनकी जिंदगी और तालीमात को लोगों के लिए मिसाल राह बताया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत, बापू की जिंदगी और उनकी तालीम मुल्क की हर नस्ल को जिम्मेदारी के रास्ते पर चलने के लिए तहरीक देती रहेगी। तो पीएम मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी को याद किया है और ये ट्वीट के जरिए एक खास मैसेज बापू के नाम लिखा है। उन्होंने कहा है कि बापू की जिंदगी और उनकी तालीम मुल्क की हर नस्ल को जिम्मेदारी के रास्ते पर चलने के लिए तहरीक देती रहेगी। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म आजहानी लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। अखदार और उसूलों पर मबनी उनकी जिंदगी अहले वतन के लिए हमेशा तरगीब का जरिया बनी रहेगी। तो बापू को भी याद किया वज़ीर आज़म ने और लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। उधर कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि फतेह और कामयाबी के लिए सिर्फ एक सत्याग्रही ही काफी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, कामयाबी के लिए सिर्फ एक सत्याग्रही ही काफी है, महात्मा गांधी को आजीजाना खराज अकीदत। अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी के यौम पैदाइश पर उन्हें याद किया और खराज अकीदत पेश किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। कुछ लोग मुल्क में झूठ और पुरतशद्दुद रवैये की तशहीर कर रहे हैं, सरहद पर कशीदगी है, किसानों की तौहीन हो रही है, तो आज इन सच्चे मुल्क से मोहब्बत करने वालों के सच और अतम तशद्दुद और जय जवान जय किसान के उसूल और भी मुनासिब हो उठे हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी सदर मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि बीएसपी सरकार के दौरान यूपी के मुख्तलिफ जिलों की तरह आगरा में भी गरीबों के लिए रिहायशगाह बनाई गई, जिसकी आवाम में सताइश हुई, लेकिन हुकूमत बदलने के सबब मफाद आमा के ऐसे कई मंसूबे अधूरे रह गए जिन्हें पहले समाजवादी पार्टी और अब भाजपा सरकार ने बदनीयत पर मबनी रवैये का मुजाहरा करते हुए पूरा नहीं किया, जो बहुत ही अफसोसनाक है। बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर रॉबर्ट वाड्रा ने भी उन्हें याद किया है और ट्वीट करके एक खास मैसेज बापू के नाम लिखा है। रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट किया है कि हमें हर रोज मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए, सेकुलर रहना चाहिए, मुत्तहिद रहना चाहिए, बापू से सीखते रहना चाहिए, अपने बाबाए कौम महात्मा गांधी जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत।